ंग डर स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ स्टे होम स्टे सेफ टुडे आवर टॉपिक माय होम तो प्लीज ओपन दुक पेज नंबर फिफ्टी सिक्स आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये होम के बारे में है माय होम मेरा घर तो घर जिसमें हम रहते हैं उसे घर बोलते हैं तो घर एक बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों जिसमें हम सेफ रहते हैं घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं घर में हम आराम से हर एक चीज के साथ एंजॉय करते हैं जैसे हमारे घर में किचन होता है डोर दरवाजे खिड़कियाँ बाथरूम रूम किचन तो ये सब चीज हमारे घर के अंदर होती हैं तो उसके बाद आप माई होम ऑफ ऑल द हाउसेस इन वर्ल्ड द वन दैट आई लव द बेस्ट कहता है कि बहुत सारे तमाम दुनिया में ये जो हाउसेज होते हैं मकान होते हैं द वन दैट आई लव द बेस्ट तो एक मेरा घर है जो मुझे बहुत ही प्यारा है मुझे बहुत पसंद है इज दैट इन विच आई वेक एंड प्ले एंड ले मी डाउन टू रेस्ट तो यही एक जगह है जहां हम खेल सकते हैं आराम कर सकते हैं रेस्ट कर सकते हैं तो अपने घर में ही बच्चों ये सब कुछ इंसान कर सकता है बाकी कहीं पर भी नहीं अपने घर में इंसान खेलता है अंदर बाहर जाता है खुशी से हर एक चीज़ करता है सोता है आराम करता है तो ये घर ही है इसीलिए घर हमारा क्या है सबसे अच्छी चीज़ है माय फादर बिल्ट इट बाय बाय हिज टॉयल माय मदर मेक्स इट होम यू कैन नॉट फाइंड हैप्पियर प्लेस नो मैटर वेयर यू रोम कहते हैं कि मेरा बाप माई फादर मेरा बाप बुल्ड बनाता है इट बाई हिज टॉयल बहुत मेहनत करके बहुत मेहनत से मेरा बाप ये घर बनाता है और इसमें मेरी माँ माई मदर मेरी माँ इस घर बनाने में मदद करती है तो कोई भी जगह कोई भी जगह हम जहाँ पर भी जाएंगे हमें ऐसी खुशी की कोई ऐसा ऐसी खुशी की जगह ऐसे आराम की जगह हमें कहीं पर भी नहीं मिलेगी अगर हम कहीं पर भी रोम हो गए आवारा फिरना सैर सपाटा करना कहीं पर भी हम जाएंगे मगर अपने घर के जैसे कोई भी चीज़ नहीं होगी द रूम्स आर क्लियर रूम्स मैंने आपको यहाँ पर बताया रूम्स कमरे वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए ब्राइट एंड फेयर चमकीले और साफ़ होने चाहिए बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए विथ पिक्चर्स बुक्स एंड टॉयज तो उसमें क्या होने चाहिए पिक्चर्स होने चाहिए तस्वीरें बुक्स किताबें एंड टॉयज और खिलौने एंड फूड एंड क्लॉथ्स एंड बेड एंड चेयर्स ऑफ ऑल अस बॉयज एंड गर्ल्स तो घर में हमारे जो वालदे हैं हमारे पेरेंट्स हैं वो मुहैया करते हैं फूड क्लॉथ्स बेड्स चेयर्स फर्नीचर वगैरह और खाने के लिए न, 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 हमारे जो फूड्स है क्लोथ्स पहनने के लिए ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स सब लड़के और लड़कियों के लिए तमाम बच्चों के लिए अपने वालदे ये सब चीज होम में अपने मेरे, अपने घर में ये चीजें मैसर करते हैं सो फुल ऑफ लव एंड जॉय इट इज सो सेफ एंड ब्राइट एंड वॉम आई वुड नाट गो फार टू फार फ्राम इट लिस्ट आई शुड केम टू वो हार्म कहता है कि मैं अपने जो घर है मेरा माई होम इसमें इससे मुझे बहुत लगाव है मुझे बहुत प्यार है और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ और ये हमारे लिए सेफ़ है इसमें हमें मतलब इससे इसमें हमें कोई भी डर नहीं है हमें गर्मी मिलती है और सेफ़ है तो इसीलिए हम बाहर जाने में बहुत क्या करते हैं डर महसूस करते हैं बाहर जाना हमारे लिए ख़तरनाक है तो अपना घर ही है जो हमारे लिए सेफ़ होता है तो बच्चों ये थी हमारी एक खूबसूरत सी पोम तो इसमें आपको सबसे पहले होम हमारा जो घर है एक घर ही है जिसमें हर एक फैसिलिटी मैसर होती है और वो करते हैं हमारे पेरेंट्स तो पेरेंट्स में हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें कौन कौन आता है शाबाश फैमिली रिलेशन में जैसे बाद में आपको दूसरी पार्ट सेकंड में मैं आपको लिखवाऊंगी तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है तो बच्चों ये इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और याद भी करेंगे ओके okay? खुदा हाफिज़